मेरा नाम अरियम शर्मा है, मैं यहाँ मेडिकल में ही कंपाउंडर हूँ। मैंने दो बच्चियां वहां सेट कर दी है। डिफरेंस को देखो, जाकर के महसूस करो। बीसीएमएच धौलपुर जो है इनके शिष्य है, वो आज आपके आपके शहर के जो और बीसीएमएचओ वो भी सेल्स नहीं है ना। डिप्टी सीएमएचओ की बच्ची भी पढ़ रही है मेडिकल के, मोहरसिंह जी वगैरह ये सब नाम ले रहे हैं, हमारी सब लोगों की है। तो मुझे तो लगता है कि कैरियर बनाने का टाइम है। एक एजुकेशनिस्ट मेरे साथ बहुत बड़े बैठे थे, उनके सामने भी मैंने बोला साहब कि जहाँ से 12वीं की कोई मेरिट नहीं आती। उसका कारण मुझे 2 साल पहले समझ में आ गया कि 12th तक क्यों नहीं कर राजस्थान धौलपुर 12th में नहीं डेवलप करता, 10th में बहुत अच्छा डेवलप करते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, गार्जियन बहुत पोटेंशियल से आते हैं 8 तक 9 तक 10 तक, लेकिन 11 12th में सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। बच्चों में हुनर है, सर ने बताया, वहाँ जो जा रहे हैं वो सिलेक्टेड भीड़ को छोड़ के जा रहे हैं और वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। छोटी बच्ची लॉकडाउन में थी मेरी, मैंने बड़ी बच्ची के साथ केयर एज ए केयर टेकर भेज दिया। अब मैंने उसको पूछा, बेटा 6 हो गया तेरा, तू आ जा वापस धौलपुर। बोले पापा मैं नहीं जाऊँगी, यहाँ तो राजस्थान और इंडिया से बाहर बात ही नहीं होती है, कोई फंक्शन नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ बात होती है तो राजस्थान की होती है। जब 6 की बच्ची के दिमाग में जो सेट हो जाता है, तो मुझे लग रहा है एज ए गार्जियन हम कहीं ना कहीं बच्चों को सेट कर देंगे। मेडिकल एक विंग है, एक लाइफ की एक रेस नहीं है, लास्ट में दौड़ेंगे तो कहीं निकलेंगे। पर ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, तो इस कंसेप्ट को छोड़ दें। धौलपुर में एक कंसेप्ट है, वीरू भाई बैठे हैं, कि पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है। हम ज़्यादातर यही निर्णय करते हैं। मैं तो आप जो हाथ जोड़ से निवेदन कर, हर साल धौलपुर से मेरिट आए, मैं तो यही निवेदन करता हूँ। और बाकी में सीएलसी से आ सकती है, अगर बच्चे यहाँ के पोटेंशियल को पहचाने और ट्रैक सही पकड़ लें तो आएगी। तो भैया सब लोगों से निवेदन है, देखो एक बार, बच्चों का भविष्य बहुत बड़ा है। 10वां 11वां 12वां इनके साथ खड़े हो जाओगे तो हमको अपनी बहुत बड़ी समस्या खत्म कर लेंगे बच्चों के करियर की।